कवितेचे स्पष्टीकरण, दिवे उजरता दिवे होऊया, जडता जडता जग जुळिया। वरील ओळी द्वारे कवी जयवंत कुमार त्रिभुवन असे म्हणतात की आपल्या समाजातली जी लोक काही ना काही कारणांमुळे दुखी पीडित आहे, हमारे समाज के अंदर कुछ ना कुछ लोग जो गमजदा है, हालात से परेशान है, उनके तालुक से त्यांच्या जीवनातला आनंद हिरून गेलेला आहे, यानी उनके जिंदगी में की खुशियां चली गई है, वैसे लोग आहे। अशा दुखी माणसांच्या जीवनात, ऐसे दुखजदा लोगों की जिंदगी के अंदर आपण आनंद भरण्यासाठी आपण दिव्याप्रमाणे सावतार जडून, म्हणजे त्यांच्या गरजेनुसार त्यांची मदत करू। हम जो है उन गमजदा लोगों की जिंदगी के अंदर एक चिराग के मानी उजाला करके उनकी जरूरतों को पूरा करके उनकी मदद करे और उनको मूल धारा प्रवाह में लाए, त्यांना साकार्य करू, त्यांच्या जीवनात सुख प्रकाश आणावा आणि हळूहळू आपल्या या कामाची गती वाढून सारे जग सुखी आनंदी प्रकाशाने उजळू। शब्दार्थ दिवे दीप, जग आलम उजळणे रोशन करणे, जडता जडता कोशिश करते करते। दोडे पुसूनी दुखी जनांच्या त्या आश्रूंची ज्योती करूया, त्या ओळीद्वारे कवी असे सांगतात की आपल्या सभोवतली जे दुखी पीडित लोक आहेत, या इस कविता के माध्यम से कवी जयवंत कुमार त्रिभुवन कह रहे हैं कि भाई, वो बताते हैं कि भाई जो हमारे समाज के अंदर जो गमजदा पीड़ित लोग है उनकी मदद करनी चाहिए, पर्यंत अपन स्वतः पहुंचावे, त्यांच्या दुख मागील कारण समझून घ्यावे, उनके तक खुद हमको पहुंचना चाहिए और उनका गम क्या है, किस बात का गम है उसको समझना चाहिए, आणि त्या द्वारे त्यांचे संतवन करावे और उसके माध्यम से उनकी खैर खबर ले, त्यांच्या आश्रूंच्या तेवणाऱ्या ज्योती करूया, म्हणजे त्यांची जी गरज असेल तो पूर्ण करून त्यांचे दुख कमी करून या, यानी उनकी जो जरूरतें है उसको पूरा करके उनके गम को दूर करना चाहिए, जीवनात आनंद रूपी ज्योति निर्माण करूया और उनकी जिंदगी में खुशी भर दे। डोले पुसुनी संतवान करने तसल्ली देना, आश्रू आसू रात्र धरी अंधारी असली अंधार आवाहन देऊया, या ओळीद्वारे कवी जयवंत कुमार म्हणतात की आपण दुखी पीडितांच्या जीवनामध्ये आनंद भरण्याचे काम घनदाट अंधाराला आव्हान देण्यासारखे आहे, उनकी जिंदगी में गम को परेशानी को दूर करना और उनकी जिंदगी में जैसे खुशियां भर देना, ऐसा ललकारना उसके जैसा है, हाय खड़ा कर हाय मात्र आपल्याला ना डगमगता हिम्मत ना मारता, या कार्याला पूर्ण करायचे आहे, हमको जो है इस काम को उनके गम को उनके दुख को दूर कर ये काम को कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है। रात्र रात अंधार अंधेरा आह्वान देने संघर्ष करने।